नीति ना पक्का कोई खिचड़ी पका रही है, वो पागल बना रही है सबको। गलत नहीं समझ रहा हूं, गलत है वो। और जब से हमारे घर में आई है ना तब से कुछ भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी करके ना बस हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करके, और इस बार भी ना वो बवाल इसी ने कर ली। फिर जैसा प्लान नीति ने बनाया था, देखिए कैसे उसका प्लान काम कर गया है। आज राजीव और परी फिर दोनों एक दूसरे से बहस कर रही हैं। राजीव ने इससे पहले परी से कभी भी इस लहजे में बात नहीं की थी। आज देखिए फिर दोनों के बीच में फिर तू मैं हो रही है। अब यहाँ पर सारी गलती हम परी की देंगे, क्योंकि इतना अच्छा बनने की जरूरत क्या है। जब सब कह रही हैं कि नीति गलत कर रही है तो वो झूठ बोल सकती है, और जबकि परी ने नीति का असली रूप देखा हुआ है, इसके बावजूद वो अपनी सहेली नीति को ही सही मान रही है, उसी की साइड लेकर अपने पति से बवाल कर रही है। नीति बिना शादी के माँ बनने जा रही है, वो भी इस घर की खुशी के लिए, और तुम उसे गलत समझ रहे हो। जब यही काम कुछ परी का पहले किया था तो इस घर ने मुझे सराखों पर बिठा लिया था। मैं तो बस बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन नीति वो अपना खून भी नहीं रही। बकवास है, सब बकवास है, वो सब घूम कर रही है जी। अब राजीव नीति के मंसूबों को अच्छे से पहचान गया है, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बच्चा कहां से आ गया बीच में। इसका जवाब कोई दो ना। जो बच्चा कुछ दिनों पहले तक परी की कोख में पल रहा था, एक एक्सीडेंट में वो चल बसा, फिर अचानक से नीति कैसे माँ बन सकती है। अब ये सब झोल है, और यकीनन ये झोल नीति और राजीव की माँ ने मिलकर किया है। हम दोनों ऐसे पहली बार ऐसे झगड़ा कर रहे होंगे, और उसकी वजह तुम्हारी दोस्त है, और मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ ये चीज़ एक्चुअली। वो मुझे कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं चिल्ला के प्यार से, कितना मुझे कितनी बार उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। सो यही चीज़ एक है जो मैंने अपने ब्लाइंडर्स लगाए हुए हैं, वो मैं हटाना नहीं चाहती हूँ। खैर अब जैसा हो रहा है वैसा देखना पड़ेगा। जब तक परी को नीति पर विश्वास है तब तक तो ऐसा ही चलेगा। वो सबको मना भी लेगी नीति को इस घर में रखने के लिए, लेकिन बाद में जब उसे ही शक होगा ना तो वही जासूसी करना शुरू कर देगी, ये बात तो पक्की है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।